हेलो भाइयों, मैं हूँ प्रफुल्ल धाकड़। आज हम देखने वाले हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के क्लाइमेट कंट्रोल, जो कि भाई बहुत लोगों को पता नहीं होगा भाई डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी कैसे अपन ऑपरेट करें, तो आज मैं वही बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अपने को मिलते हैं ऐसे कुछ एसी के कंट्रोल्स। सबसे पहले मैं नॉर्मल एसी का इसमें वो बता देता हूँ। ये है अपना टेम्परेचर कंट्रोल। ये अपने को दोनों तरफ जो सेम टेम्परेचर होगा आप कोई सी तरफ से एडजस्ट कर सकते हो। डुअल मोड एक्टिवेटेड, इसको नहीं करना भाई अभी। इसको अपन घुमाओगे तो भी एक्टिव। इसका अपने को काम ही नहीं है, सिर्फ इसका काम है नॉर्मल। अगर अपने को कहीं भी जाना है, एसी को ऑन करना है, टेम्परेचर बढ़ाना है या कम करना है, जैसे मैंने लो कर दिया। अब आती फ़ैन स्पीड, तो मैंने इसको प्रेस करके फ़ैन स्पीड बढ़ा दी या कम कर ली। मैक्सिमम एसी चाहिए तो ऑन ऑफ कर सकते हो, ऑटोमेटिक पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे अपने को दोनों तरफ रियर वाइपर डिफॉगर मिल जाता है, सॉरी दोनों फ्रंट और ये रियर है। बाकी इधर से रिसर्कुलेशन बटन मिल जाते हैं इसमें अपने को। एयर सर्कुलेशन रिसर्कुलेशन ऑन, इसको ऑफ करेंगे तो एयर रिसर्कुलेशन ऑफ हो गया। बाकी अब आते हैं डुअल जोन पे। जैसे मुझे भाई अभी ठंड लग रही है और उसको भी ठंड लग रही है, तो मैंने हीटर ऑन कर दिया। गर्मी लग रही है, हम दोनों ने एसी ऑन कर लिया। अब लगता भाई मुझे ठंड लग रही है, बट इसको मेरे बगल वाले को लग रही है गर्मी, तो मुझे चाहिए हीटर और उसको चाहिए एसी। अब क्या कर रहे हैं भाई, ये बटन आपने को एक प्रेस करना है। इधर पर आ गया डुअल मोड एक्टिवेटेड, ठीक है। मुझे ठंड लग रही है तो मुझे हीटर ऑन करना। पहले मैं अपना बताता हूँ। यहाँ से अपन करेंगे टेम्परेचर को हाई, मैंने हाई कर दिया। अब फैन स्पीड तो सेम रहेगी, जैसे मैंने अपने कर दिया हीटर ऑन, टेम्परेचर बढ़ा दिया और अब मेरा हीटर चल रहा है। अब उसको लग रही है गर्मी तो उसको चाहिए एसी। तो अपन ने कर दिया टेम्परेचर इसका कम, इधर से टेम्परेचर हो गया कम, स्पीड हो ही रहेगी। यहाँ से आप मोड्स वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। ये तो हो गई भाई नॉर्मल सी चीज़, दोनों को लो कर देते हैं। इसको करते हैं और ऑफ। अब चलते हैं इसमें अपने को जो क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है वो। तो यहाँ पे अपने को मिल जाता है सारे मोड्स के कंट्रोल। इधर से आप डुअल जोन एसी चालू कर सकते हो, रिसर्कुलेशन का बटन ऑन ऑफ कर सकते हो, एसी का बटन है, ये ऑटो का बटन है। इधर से आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो, इसका डुअल जोन दबा देते हैं एक बार। तो यहाँ पे अपना हो गया एसी ऑन। अब मुझे चाहिए टेम्परेचर कम, मतलब कूलिंग चाहिए मुझे, तो इधर से आप प्रेस करोगे, ये कूलिंग हो गया। अब मेरे को हीटर चालू करना, मैं इधर से हीटर चालू कर दूंगा। तो आप देख सकते हो दोनों का टेम्परेचर अलग है। बाकी यहाँ पे अपने को फ़ैन स्पीड मिल जाती है, तो यहाँ से फ़ैन स्पीड बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। डुअल जोन का ये बटन है, इसको प्रेस कर सकते हो। ऑटो का बटन है, आप ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एडजस्ट कर सकते हो, और एसी का बटन है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तब भी नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट में बता देना, हम बात कर लेंगे उसके बारे में भी। काफ़ी बेहतरीन फीचर मिल जाता है। और एक और चीज़, इसमें आप क्लाइमेट कंट्रोल तीन चार तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। इधर से भी आप क्लाइमेट कंट्रोल खोल सकते हो, वही सेम पोर्शन इसमें अपने को मिलेगा। बाकी इधर से आप इसको ऑफ और ऑन भी कर सकते हो। रिसर्कुलेशन के इधर बटन और इधर पे नीचे भी अपने को स्क्रीन मिल जाती है। तो यही था आज की वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।